वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट जंगल कैट जैसे दिख रहा है। हाँ हाँ मुंह हो रही है, मुंह हो रही है। हाँ हाँ मुंह हो रही है। कहाँ पे वो देखो जो टार गिरा है ना अपना वाला उधर। हे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम टाडो। टाइम हो रहा है 5:26, 6 बजे से। हमारी आज एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। आज हम कर रहे हैं नाइट सफारी। जी हाँ, आज हम कर रहे हैं नाइट सफारी। सफारी 6 बजे से स्टार्ट है और आई थिंक अराउंड 9 or 9:30 तक है। तो निकल जाएंगे सफारी के लिए। फोटो सेशन चल रहा है। एक्साइटेड फॉर द नाइट सफारी? एक्साइटेड? कुत्ता है छोटू, छोटू कम फास्ट। चलो, भारत के महान शिकारियां जा रहे जंगल की तरफ। चलो शिकारी, कहते लोगों को बाजू अच्छे लो। तो पहुंच गए जुनून सफारी गेट। कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। आई थिंक सफारी स्टार्ट होती है 6 बजे से, तो 45 को ही पहुंच गए हैं। आई होप दिस इज द गेट, अगर कंफर्म कर लेते हैं, है ना। अरे भगवान, सफारी 7 बजे से भाई, बहुत गाली पड़ने वाली है। देखो पोज मार के फोटो वोटो भी लिया जा रहा है, अभी गाली पड़ेगा। देखो आई हैव ए न्यूज, सफारी 7 बजे से। सारा टिकट में 6 बजे लिखा है, टिकट में 6 बजे लिखा है भाई, मैं क्या करूं? टिकट में लिखा है 6 बजे। बैठो बैठो, सब जी बैठ चुके हैं अपनी जीप पे। जुनोना सफारी गेट नाइट सफारी के लिए रेडी है एकदम। देखो चलो सफारी स्टार्ट कर रहे हैं। मोबाइल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अंधेरा है, लाइट जला के कुछ दिखाएंगे आपको। तो पहली बार आए हो आप? सबसे पहले वेलकम आपका ताड़ोबा में। माय नेम इज अरुणा, नाइट पेट्रोलिंग सफारी की मैं आज आपकी गाइड हूँ। तो ताड़ोबा का एरिया बताऊंगी। यहाँ का जो टोटल एरिया है 1700 स्क्वायर किलोमीटर का, ये पूरा एरिया, जिसमें 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है वो कोर का, और 1100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया आता है वो बफर का। यानी कि ये जो टोटल एरिया बनता है वो 1700 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे VIP मैमल्स हैं लाइक टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर एंड वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं सिर्फ दिन में दिखते हैं, उनका जो एक्टिविटी रहता है मूवमेंट वो सिर्फ दिन का रहता है, और ये 10-10 का ग्रुप रहता है और ग्रुप में ये हंट करते हैं सिर्फ वाइल्ड डॉग। और जो बाकी लेपर्ड, स्लॉथ बियर और टाइगर है वो नॉक्टर्नल भी है, तो वो रात को ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, खास करके टाइगर, क्योंकि दिन में वो हंट कम करता है, रात को ज़्यादा हंट करता है, क्योंकि उसका हंटिंग का ही मूड रात को रहता है, और एक तो उसका टेरिटरी भी रहता है। उसके बाद लेपर्ड जो है ज़्यादातर वो लेपर्ड गांव के आजू बाजू में दिखता है, जहाँ पे टाइगर हो वहाँ पे लेपर्ड नहीं रहता, क्योंकि उसको हर वक्त डर लगा रहता है टाइगर से, तो वो अपना अलग एरिया रहता है उसका। ओके, उसके बाद जैसे कि हम आगे आगे जाएंगे तो आपको सिर्फ बांबूज दिखेंगे, तो 75% यहाँ पे बांबू फॉरेस्ट है। तो बांबू का जो लाइफ रहता है 40 ईयर्स का रहता है, तो जीवन में उसको लाइफ में एक ही बार 40 ईयर्स में उसको फ्लावर आता है बांबू को, उसके बाद ये डेड हो जाता है बांबू। जो उसके बीज गलते हैं तो मानसून में वहीं से उसका रूट आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो पहला वाला जो रूट रहता है उसको बांबू शूट्स ऐसे भी बोलते हैं। तो बांबू शूट से पिकल भी बनाया जाता है, चाइनीज भी सूप भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद ये जो बांबू है बहुत ही ठंडा है, तो टाइगर के पॉपुलेशन के लिए और उसके मीटिंग के लिए बांबू बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
क्योंकि ये ठंडा है। तो आप देख सकते हो कि ये जंगल बहुत ही डेंस है। अभी आपको समर में बहुत ही ये थोड़ा सा ये सूखा सूखा दिख रहा है, दिखेगा हाँ। लेकिन आप मानसून में आओगे तो मानसून में ये पूरा डेंस दिखेगा। और जो अंदर के रूट है काफी छोटे हैं, तो मानसून में सबसे ज्यादा आपको घूमने के लिए अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है। उसके बाद यहाँ पे ताड़ोबा में 250 से लेकर 300 तक बर्ड्स ऑफ स्पीसीज, कुछ माइग्रेट बर्ड्स है जो बाहर से विंटर में आते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो रेड क्रेस्टेड पूचड़ नाम का एक बर्ड है, उसको मराठी में लालसरी बोलते हैं। और बारेडेड गूस भी आता है, उसको मराठी में रेड क्रेस्टेड पूचड़ यानी लालसरी, और बारेडेड गूस यानी कि राजहंस। ये बाहर से आते हैं, जैसे कि राजहंस बर्ड है ये हिमालय से आता है। तो बहुत से ऐसे बर्ड है सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे ताड़ोबा में आते हैं और समर लगते ही वो वापस चले जाते हैं। तो अभी वो गए, जो इंडियन पिट्टा नाम का जो बर्ड है अभी आया है, अप्रैल में आता है, वो कोकन से आता है और दिसंबर तक और जनवरी तक वो वापस भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे नॉक्टर्नल एनिमल है जो आप दिन में नहीं देख सकते, वो सिर्फ रात को देख सकते हो। ऐसे कुछ बर्ड और एनिमल है जो सिर्फ रात को एक्टिव रहते हैं, जैसे कि बर्ड में है नाइट जार। तो नाइट जार ये सिर्फ रात को दिखता है, दिन में वो दिखता भी नहीं, क्योंकि उसका कलर जो रहता है पूरा टोटल ड्राई कलर का रहता है, तो ये पूरा कैमोफ्लाज हो जाता है। तो वो सिर्फ रात को दिखेगा, उसको मराठी में रातवा बोलते हैं। उसके बाद यूरेशियन थिकनी नाम का बर्ड है, वो दिन में भी दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है। उसके बाद आउल है बहुत से यहाँ पे, जैसे कि स्पॉटेड आउलेट है, मॉटेलवुड आउल है, और ब्राउन फिश आउल है, और भी है जंगल आउलेट वगैरह, कॉलोस्कोप भी है लेकिन बहुत रेयर। अच्छा। और जो एनिमल है नॉक्टर्नल वाले वो है हनी बैजर, पाम सीवेट है, पेंगोलिन है, पॉक्यूपाइन है, ये भी दिखते हैं। तो आई विश आपको आज नाइट सफारी में कुछ तो वीआईपी मिल जाए। गुड लक। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, बहुत थैंक यू। अभी जो हम जा रहे हैं ना, आपका जो लेफ्ट साइड है ये कोर है और राइट बफर, तो ये कोर बफर की बाउंड्री है। अच्छा, ये इधर लेफ्ट साइड, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा होगा तो ये लेफ्ट है, इधर ये बफर है। ओके, ये बाउंड्री है, बीच में से हम जा रहे हैं। कोर बफर तो शेर के लिए नहीं होता है ना, एनिमल के लिए होता है, तो हमारे लिए होता है। क्या मालूम है कोर कौन सा है और बफर कौन सा है, उसको नहीं पता कुछ। ये जो बजरंग मेल का ये जो उसका एरिया है, बजरंग मेल टाइगर है, तो उसके एरिया में 3 से 4 फीमेल्स है। तो ये कोर में भी जाता है और बफर में भी जाता है, उसका काफी बड़ा एरिया है, मतलब की 70 के ऊपर उसका एरिया है, 70 स्क्वायर किलोमीटर। 70 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है उसका, और उसके एरिया में तो 3 से 4 फीमेल है, 5 भी हो सकती। तो जो लारा टाइगर से उसको भी 4 पग है, साल के हो गए बड़े, छोटी मधु है उसके 3 पग है, और कॉलर वाली है उसको 2 है, डब्लू मार कॉलर वाली तो मर गई ना। नहीं नहीं नहीं, इधर की कॉलर वाली अलग है। अच्छा अच्छा, उसके फर्स्ट लीटर है सोनम के भी है ना छोटे वाले। हाँ हाँ हाँ, मले तो हे वाटत आहे का म्हणते याने वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट वही क्या, जंगल कैट जैसे दिख रहा है। हाँ हाँ, मुंह हो रही है इधर, मुंह हो रही है। हाँ हाँ, मुंह हो रही है। कहाँ पे जो टार गिरा है ना अपना वाला, उधर में जो जंगल कैट भी है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर में। कहाँ पे एक तो हो जी हो जी, जी मैंने फ्लैश टा मार से पेड़ के बाजू में जल्दी मारो मारो ये जंगल कैट है ना। दवा मुझे दो, ओ ये तो बहुत रेयर है ना, ये जब चलती है ना फ्लैश टाइम ये जी जी तो ओ वाओ। मैंने कुछ देख के पट की तरह बैठी है। समर मांगे काम होता है, बैगे ढुकी दो गोपो, आर लागबे ना, आर लाभ नहीं गोपो ते, बैगे ढुकी दो। তোর এখানে রাখছি দেব জানি তোর ব্যাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢুকিয়ে দেবো দিই।
दे दे मेरे को भी। अरे अरे मूव हो गई, मूव हो गई। रुको 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 रुको, अच्छा लाइट मूव कर साथ साथ। अमीन बड़ा है गया ना, गया हो। चलो ठीक, पीछे चलिए आगे चलिए। पहले ही रेयर चीज मिल गई। कल नाइट सफारी को दो टाइगर मिले। कल हाँ। रात को नाइट सफारी रात को ही होगा ना। तो इधर भी है यार, देख इधर में। हाँ सांभर है। She thought it is a leopard. सांभर डियर बच्चे के साथ है, बेबी के साथ है। डियर फैमिली में ये सबसे बड़ा मेंबर होता है। सेकंड नंबर पे स्पॉटेड डियर, थर्ड नंबर में बार्किंग डियर है, सबसे छोटा जो है माउस डियर। बार्किंग डियर है इधर बहुत है, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर है ना। हाँ। ये लॉग आउट है जंगल के अंदर, ऑनलाइन इसको बुकिंग कर सकते हैं। ऊपर रहने का है क्या? ये लॉग आउट जुनोना, ये लाइट मार रहे हैं। लॉग आउट जुनोना यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आके कचरे का आवाज आ रहा है, बंद कर। चलने का आवाज आ रहा है, अंधेरा हो गया। पेंट मार रहा है। चलने का आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। अभी मजा आ रही है। पूरा अंधेरा हो गया, मस्त दिख रहा है। टाइगर भी करीब से आ गया, तुम्हें पता नहीं चलेगा। चल लेता है। स्मेल आएगा, वो तो हमको देख पाएगा ना, हम देख नहीं पाएंगे। वो अपने से 10 गुना अच्छे से दिखता है। उधर कुछ दिखा है क्या? वहाँ पे लाइट मार रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। इधर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है इधर। ऊपर आसमान भी तो नहीं दिख रहा है, कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा। मोबाइल काम, मोबाइल पे काम कर रहा है, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा है, लेफ्ट साइड लग, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड ब्लैक ब्लैक।
तो यहाँ पे वाटर बॉडी बनाया हुआ है ना? हाँ, वाटर बॉडी आर्टिफिशियल वाटर बॉडी। तो लाइट बंद करके थोड़ा वेट करेंगे इधर ना? हाँ वेट कर रहे हैं। गुड़िया ठोके लगते हैं। निकल गया वाटर बॉडी में, कुछ था नहीं आज। फिर स्टाइगर वगैरह से बातें ही थे बुक्टर नहीं हो रहा। आई थिंक फोकस नहीं करेगा। सो इंजीनियर में फोकस करने बहुत मुश्किल हो गया। तो वीडियो क्वालिटी कैसा है नहीं है, विल नॉइज एंड ऑल दोस्तों आ सकता है, प्लीज़ एडजस्ट करिए। बट ये नाइट की सफारी भाई साहब क्या एक्सपीरियंस है, जंगल के अंदर रात को कभी भी नहीं खेला उन्होंने पहले, एकदम मज़ा आ रहा है। पीछे अगर आप देखो तो पीछे तो जब सी आ रही है लाइट बहुत ज़्यादा चमक रहा है उधर, तो पता नहीं कैसे तो एक क्या एक दूसरी उसके दूसरे मेरे दोस्त और उसके बाद आ रही दूसरी तीन दूसरी ऐसा बहुत आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है। इतना मजा आ रहा है और ये मजा ना मैं भारत के सभी लोगों को देना चाहता हूँ। ये देवाड़ा सीधा देवाड़ा है और ये अड़े गांव दोनों कंबाइन आपका टार्च अच्छा है। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल बहुत ही रेयर दिखता। कहाँ दिख, कहाँ अरे हाँ ये देखो नीचे आ रही है, नीचे आ रहा है ना, दौड़ दौड़ के हमारे पास का आग आग ये देखो उसका ये जो मुंह हो रहा है ना। हाँ 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 कहाँ है? है उधर ही है, ऊपर 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 जा रही है। जा रही है ऊपर ऊपर। हाँ उसके बेली ना वाइट रही थी। ऊपर जा रही है, ऊपर आ गई। कहाँ है? रेयर था बहुत बहुत रेयर। मैडम आपके लोग आप लोगों का ट्रेनिंग होता है क्या? हाँ ट्रेनिंग है। ये जंगल में देखने का ढूंढने का भी ट्रेनिंग होता है क्या? नहीं नहीं देखने घूमने का नहीं, सिर्फ जंगल के बारे में बताते हैं, बाकी सब हम ही करते हैं। नहीं आपने वो कैसे देख लिया उधर फ्लाइंग स्क्विरल? आंखें चमकी ऊपर मैं इसलिए देखती हूँ, कभी कभी आउल रहता है, कभी लेपर्ड बैठा रहता है और फ्लाइंग स्क्विरल भी देखती हूँ। अच्छा टाइगर मिल जाएगा 10 सफारी कीजिए आप। हाँ टाइगर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। करेक्ट। ये जो वाइल्ड कैट तो पता है मेरे को बहुत रेयर है। फ्लाइंग स्क्विरल भी नहीं मिलती। इंडियन पेंगुइन हो गया, इंडियन पॉर्क्यूपाइन हो गया। हाँ ये बहुत रेयर है। पॉर्क्यूपाइंस भी नहीं दिखते हैं? करेक्ट कम दिखते हैं। क्या आंख है हमारे मतलब गाइड जी का, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाइट जर के बच्चे अभी उड़ नहीं पाते है क्या?
इनको थोड़ा साइड कर देंगे क्या? नेस्ट नहीं बनाते हैं ये लोग? थोड़ा मांगे थे क्या? थोड़ा साइड कर दीजिए, कोई गाड़ी चला देगा। चुगलू की क्यों देख? अपन हाथ नहीं लगा सकते तो थोड़ा का कमांड फिर कैसे करेंगे? अच्छा है, मैं कर दूंगा। कैसे करें? उसको साइड में रखो, मैं तो बेटी होती हूँ। अभी ये बंद कर दो, अभी ये उड़ नहीं पाते ना, अभी ये उड़ नहीं पाते क्या? हाँ अभी गए, अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं, डर रहे हैं थोड़ा सा तो जा रहे हैं। पत्तों के साथ मिल जा रहा है, जा रहे हैं। ये लोग नीचे नीचे में अंडे देते हैं, जमीन पे, जमीन पे अंडे, उसके जो अंडे भी देखना पूरा कैमफ्लेज। ओह अच्छा अच्छा, रेड बॉर्डर है, बैठी थी हाँ, उड़ गई। तो ये बीच में एक सेंटर है, इंटरप्रिटेशन सेंटर, तो यहाँ पे टॉयलेट्स है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो फिर आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। Two hours later. ब्लॉग करने का कोई मन था नहीं, बट मैंने सोचा अभी ब्लॉग कर दो, ठीक है ना। वहाँ जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, मतलब गाली निकलती मुँह से, बट इसको बोलते हैं किस्मत। मई के महीने में नो प्रेडिक्शन ऑफ रेन, और अभी जम के बारिश हो रही है। कल सुबह हमारी मोहाली की सफारी है, मतलब किस्मत मोहाली, क्या किस्मत है भाई, मान गया हूँ भाई, किस्मत ऐसा किस्मत होना चाहिए भाई। हज़ार हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला के आओ, वेदर चेक करके आओ, कहीं गर्मी रहे बारिश ना हो, पर हमको ये मिलता है। बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, बट बाहर लाइटनिंग आपको अगर दिख रहा होगा तो, जम के बारिश हो रही है भाई, जम के बारिश, और सुबह मोहाली गेट की सफारी है। अब क्या साइटिंग होगी, नहीं साइटिंग होगी, भगवान के ऊपर छोड़ के बंद करता हूँ वीडियो को, दिमाग का दही बन चुका है।